फाइनली जो है वो अभी मलेशिया पहुंच चुका हूँ, तो अभी बैठ के जो है वो सुकून से बात करते हैं यहाँ पे कि भाई किस तरीके से जो है वो मलेशिया में आया हूँ और क्या क्या मेरे साथ जो है वो हुआ है यहाँ पे। काफ़ी इस बार जो है थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्या अपने साथ हो चुकी है। और बस अभी बैठ के जो है पूरी स्टोरी बताता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ फैजान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफ जे ब्लॉग। तो दोस्तों इस वक्त मैं हूँ अभी मलेशिया के कुआला लंपुर में और यहाँ पर जो मेरी फ़्लाइट थी उसका ले ओवर यहाँ पर लगभग 3 घंटे का। उसके बाद जो है फिर मैं जाऊँगा यहाँ से वियतनाम। अब जो है मैं अपनी वीडियो की शुरुआत जो है वो यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम नहीं मिला जो मैं वहाँ से वीडियो जो है शुरुआत करता, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि जिसकी वजह से फिर हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वीडियो को जो है बनाऊं। और वो प्रॉब्लम ये थी कि मैं था और एक मेरा फ्रेंड, क्योंकि हमने मतलब एक प्लान बनाया था कि हम यहाँ से घूमते हुए जाएंगे, पहले वियतनाम फिर उसके बाद जो है जाएंगे हांगकॉन्ग, लेकिन जो सोचा था दोस्तों वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। कहते हैं ना जैसा आप सोचोगे भाई बिल्कुल भी वैसा नहीं हो पाएगा। मेरा जो फ्रेंड था वो एक तो काफ़ी टाइम के बाद मुझसे मिला था और मेरी वीडियोस जो है वो देखने के बाद, और फिर मतलब उसको एक ये भी हुआ कि चलो मैं इतने घंटे ट्रैवल कर आया हूँ तो एक बार इसके साथ चल के मैं भी जो है बाहर की दुनिया को देखूँ कैसा है। तो मतलब उसने भी टिकट वगैरह कराए मेरे साथ, अपना वीज़ा वगैरह निकलवाया, होटल बुकिंग सब कुछ मतलब बेहतर था, बढ़िया था और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब तक हम एयरपोर्ट पर पहुँचे और जब हमारा जब जो है बोर्डिंग पास लेने का नंबर आया, तो बोर्डिंग पास लेते समय जो वहाँ पर ऑफिसर्स बैठे थे उन्होंने मतलब क्वेश्चन किए। अब क्वेश्चन भी पता है उनके क्या थे कि भाई तुम एयर एशिया से जा रहे हो तो वापसी कौन सी फ्लाइट से आ रहे हो। हमने कहा भाई वेटजेट से आ रहे हैं। कह रहे हैं भाई वेटजेट से क्यों आ रहा हो, तो अब आप मुझे ये बताओ कि भाई टिकट जब हम कराएंगे तो हमारी मर्ज़ी है ना कि हमें कौन सी फ़्लाइट जो है वो सस्ती पड़ रही है और मतलब हम किस में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। वैसे एयर एशिया भी अच्छी है लेकिन अपने टाइम के हिसाब से और डेट के हिसाब से टिकट देखना पड़ता है कि भाई कौन सी टाइम में और कौन सी डेट में कितने का है। तो हमने जो है वेटजेट जो है वो रिटर्न की करा ली थी, तो वो बस मतलब एक ही बात जो है बोले जा रहे हैं कि भाई तुमने वेटजेट क्यों कराई है वापसी में और एयर एशिया क्यों नहीं कराई। हमने कही सर हमारी मर्ज़ी है। कह रहा है कि ऐसा नहीं होता और तुम्हें जो है वहाँ से डिपोर्ट कर देंगे। इसी बात को लेकर के उन्होंने हम दोनों को मतलब पासपोर्ट दे दिया वापसी और बोले कि बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा और तुम दोनों डिपोर्ट जाओगे। मैंने कहा सर मैं ऑलरेडी ट्रेवल हूँ और मैंने पहले भी ऐसे किया है कि मैंने एयर एशिया भी कराई है और वापसी जो है मैं मतलब वेटजेट से भी आया हूँ और मतलब ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से इंडिया से निकला था तो मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी स्पाइस जेट थाईलैंड के लिए, तो वो मेरी मिस हो गई थी, 5 मिनट में लेट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने एंड टू एंड जो है फ़्लाइट बुक करी थी इंडिगो की जो कि सुबह मॉर्निंग में थी। तो भाई उन्होंने तो इस तरह की मुझसे कुछ भी बात नहीं की थी कि भाई आप कौन सी फ़्लाइट से जा रहे हो किस तरह और मतलब कौन सी फ़्लाइट से वापसी आओगे। लेकिन एयर एशिया वालों ने जो ये किया है भाई मैं बिल्कुल भी इस बात से सेटिस्फाई नहीं हूँ। इन्होंने बहुत गलत किया है, मतलब ये कि तुम इससे एयर एशिया से वापसी क्यों नहीं आ रहे हो और वो तुम्हें जो है वो डिपोर्ट कर देंगे। भाई मुझे एक बात बताओ कि डिपोर्ट होने वाली बात ही क्या है, वो तो हमारी मर्ज़ी है ना। हम एयर इंडिया से वापसी आएँ, स्पाइस जेट से वापसी आएँ या मतलब कोई सी भी हो फ्लाइट, वो हमारी मर्ज़ी है। लेकिन पता नहीं भाई उनके जो है वो दिमाग में चल क्या रहा था। बहुत समझाया सब कुछ, मतलब पासपोर्ट चेक किया और देखने के बावजूद मुझसे बोले कि भाई अगर एंट्री मिलेगी तो सिर्फ तुम्हें मिलेगी और इसे नहीं मिलेगी। अब यार ये क्या बात हुई, मतलब कि एंट्री मिलेगी इसे, मुझे तो मतलब चलो तुमने अलाउ कर दिया उसी वेटजेट की एयरलाइन से और उसे अलाउ क्यों नहीं किया भाई। तो ये चीज़ जो है मुझे वो बिल्कुल भी सही नहीं लगी है और इसी बात को लेकर के मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। क्योंकि मेरे साथ में जो मेरा दोस्त था उसका सपना था कि भाई बाहर देखूँगा और बाहर घूम करके आऊँगा, लेकिन बहुत गलत किया भाई उन्होंने जो है वो बोर्डिंग पास उसे नहीं दिया, एंट्री नहीं दी और फिर ऊपर से उनके जो बोलने का जो तरीका था वो भी बहुत ज़्यादा गलत था। हम उनसे कह रहे हैं कि सर जब आपने मेरा कर दिया तो प्लीज़ इनका भी कर दो, हम तो जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे उनसे कि सर मतलब इनका भी जो है वो दे दो। तो बोले कि भाई तू ज़्यादा मत बोल और तुझे भी बाहर निकाल दूंगा अगर तू मतलब जो है अगर इसके चक्कर में पड़ेगा। तो मतलब ये था उनके भाई बोलने का तरीका। और
क्या ही बताया जाए, मतलब फिलहाल इतने इससे ज़्यादा बेकार एक्सपीरियंस मेरा नहीं हुआ है जैसा कि इन्होंने एयर एशिया वालों ने किया है। तो अगर एयर एशिया से अगर मतलब कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, और मैं यही कहूँगा कि मेरी जो वीडियो है वो एयर एशिया वालों को शेयर की जाए, क्योंकि भाई ऐसा जो है वो कस्टमर के साथ नहीं किया जाता है जिस तरीके का आपने जो है वो कर रहे हो कि भाई तुझे बाहर निकलवा दूँगा और अभी पुलिस से पकड़वा दूँगा। मतलब इस तरीके की जो है वो लैंग्वेज थी उनकी, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं उठाया किसी को मतलब इस तरीके से करना, क्योंकि मैं एयर एशिया से सफ़र करता हूँ क्योंकि सही फ्लाइट है और बजट भी मतलब वो है। बाकी अब यहाँ पर जो है कुछ देर का ले ओवर है और फिर 11:50 में यहाँ से फ्लाइट हमारी रवाना होगी और फिर वहाँ हम पहुँच जाएंगे लगभग 12:30 हो ची मिन्ह एयरपोर्ट वहाँ के टाइम के हिसाब से। बाकी मैं बता दूँ कि अगर कोई भी भाई अगर आता है हो ची मिन्ह वियतनाम घूमने के लिए, तो सिर्फ इसके अंदर एक वीज़ा का प्रोसेस होता है जो कि एक ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है और जिसकी डॉलर की जो फीस होती है वो $25 होती है, बस थोड़ा ट्रांजेक्शन वगैरह लगा के मतलब 3,000 के समथिंग वीज़ा जो है वो पड़ जाता है आपको 3,000 के आसपास। और बाकी बस आपको रिटर्न टिकट कंफर्म बुकिंग चाहिए और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बजट आपके जो है शो मनी दिखाने के लिए चाहिए। इमिग्रेशन वालों ने तो मतलब कोई सवाल जवाब नहीं पूछा हमारे जो इंडिया से, लेकिन जो है बोर्डिंग पास देते समय इन्होंने जो है बहुत गलत किया हमारे साथ। अब मैं तो मतलब फ़िलहाल अकेला हूँ यहाँ पे और मेरा दोस्त वहाँ पे बेचारा उदास होकर चला गया, अब क्या ही बोला जाए। लेकिन ठीक नहीं किया उन्होंने मतलब इस बात को लेकर कि भाई कि तुम वेस्ट जेट से वापसी क्यों आ रहा, भाई वेस्ट जेट से हम वापसी आ रहे हैं हमारी मर्जी है ना, और मुझे तो एंट्री दे दी वेस्ट जेट होने के बावजूद उसे नहीं दी, अब देख लो तुम। बाकी बस यहाँ से लेवर होने के बाद अब निकलते हैं वियतनाम के लिए। अभी सुबह के जो है वो यहाँ पे 8:30 बज रहे हैं। वही यह है पूरा मलेशिया का कुआलालंपुर का जो है वो एयरपोर्ट सही तरीके से जो इन्होंने बना रखा है, बढ़िया है यहाँ का भी। और अभी जा रहे हैं भाई अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट की तरफ, अभी देखते हैं किस रेट में हमारी कहाँ से मिलेगी। अभी जो है स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है हमारा फ्लाइट, तो हम सोच रहे हैं कि जाके एक बार हेल्प सेंटर से जो है वो मालूम कर लें। ये अपना बोर्डिंग पास, दोनों जो है बोर्डिंग मिल गए थे इंडिया से, अब जो है वो यहाँ से है हमारा कुआलालंपुर से हो ची मिन्ह का। अभी इन मोहतरमा से ये बैठी हैं यहाँ से, इनसे जो है वो मालूम किया था, तो इन्होंने बताया कि भाई ऊपर जाओ, ऊपर से आपको जो है वो आपका गेट नंबर पता चलेगा। तो अभी जा रहे हैं ऊपर, एक साइड से इन्होंने जो है वो लगा रखे हैं भाई और एक साइड नहीं लगा रखे, तो चल के जाना पड़ रहा है ऊपर। तो भाई ये है यहाँ का ड्यूटी फ्री एरिया और काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने जो है वो मैनेज किया है उन्होंने। एयरपोर्ट तो कहीं का भी हो मतलब
सब बढ़िया ही होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लेकिन बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर अकेले घूमते हुए। तो आ गए अपनी जो है गेट के पास, और यह है L16। यहाँ से जो है अभी एक फ्लाइट जा रही है, उसके बाद जो है फिर हमारी जाएगी कुछ देर में, फिर निकल जाएगी यहाँ से वियतनाम के लिए। तो वही बोर्डिंग जो है वो अपनी शुरू हो गई है और लाइन में लगते हैं, बाकी चलते हैं फिर फ्लाइट के अंदर यहाँ से वियतनाम। जोन वन वाले जा रहे हैं, वही जोन टू वाले जो है अब जाएंगे अंदर, तो अब चलते हैं फ्लाइट के अंदर जोन टू। बैठना हमें 25B लास्ट में होगी। तो फ्लाइट में जाए बैठे हैं, अभी अनाउंसमेंट वगैरह हो रही है और विंडो सीट के पास बैठा हूँ। वैसे विंडो सीट जो है वो मेरी है नहीं, मेरी जो है वो बीच में है, मिडिल में। देखते हैं कोई अगर हटाएगा तो हटाएंगे, नहीं हटाएगा तो बैठे रहेंगे। वैसे भी 2 घंटे की जो है वो जर्नी यहाँ से बस पहुँच जाएंगे बहुत जल्द वियतनाम फिर से। तो भाई जो है क्राफ्ट थोड़ा सा पीछे होने लगा है, अब जो जाएगा अपने रनवे की तरफ और फिर कुछ देर में यहाँ से कट जाएगा। यहाँ से करते हैं मलेशिया एयरपोर्ट को बाय बाय, और अपना जो क्राफ्ट है वो रनवे के लिए जो है वो निकल चुका है। बस कुछ देर में यहाँ से जो है कर जाएंगे डिपार्चर, लगभग 2 घंटे के में पहुँचेंगे हम, पहुँचेंगे। वियतनाम पहुँच चुके हैं हम और सेफली जो है वो लैंडिंग हो गई है। हवा की थोड़ी बहुत देर जो है वो मैं सो गया था क्योंकि नींद बहुत आ रही थी रात में, जो है वो नींद नहीं हो पाई थी। लैंड हम जो है वो कर गए हैं और निकलते हैं यहाँ से बाहर, वहाँ से इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद फिर जाएंगे जहाँ पे जो है पहले रुके थे, हो सकता है वहीं पर रुकें या फिर देखते हैं कि कहाँ रुकेंगे इस बार। सो फाइनली जो है आ गए एयरपोर्ट के अंदर और सही तरीके से आप पहुंच गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई उनको, सेफली जो है वो लैंडिंग हो गई है। बाकी अब जाके कराते हैं आपसे इमिग्रेशन और निकलते हैं यहाँ से बाहर। बाकी किस तरीके से जो है वो यहाँ से वॉकिंग स्ट्रीट है वो ही बयान वहाँ पर जा सकते हैं, तो वो सब मैं अभी आपको जो है बताऊँगा। Oh.
तो भाई ये है यहाँ का इमिग्रेशन, इमिग्रेशन करा के जो है वो निकलते हैं फिर बाहर। भाई इमिग्रेशन सब कुछ करने के बाद आ गए हैं बाहर, और मेरे पास जो है वो करेंसी है नहीं यहाँ की डोंग, क्योंकि मेरे पास जो है वो यूएस डॉलर है। तो कराता हूँ यहाँ से थोड़ा सा जो है वो एक्सचेंज, और फिर जाएंगे यहाँ से होटल तक। बाकी यहाँ पर आपको जो है वो सिम कार्ड वगैरह भी और करेंसी एक्सचेंज वगैरह सभी जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर। कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो यहाँ से मतलब मालूम कर सकते हैं। मैं तो सिम वगैरह लेना ही नहीं है क्योंकि दो दिन के लिए करना है, और होटल में जो है मिलेगी वाईफाई। तो अगर आपको लेना है तो भाई आप आएँ और ट्राई करके देखें यहाँ पे, अगर आप एक आध हफ्ते के लिए 4-5 दिन के लिए आ रहे हैं तो। तो अभी यहाँ से जो है वो करा रहा हूँ $10 चेंज, और जो रेट दिया है $10 में इन्होंने वो इतना दिया है मुझे 22,03,000। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, और यहाँ से 152 नंबर की जो है बस आपको लेके जाएगी यहाँ के जो हो ची मिन्ह की एक वॉकिंग स्ट्रीट है, वहाँ पे आपको लेके जाएगी 152 नंबर की बस। बाकी टैक्सी वगैरह और कार मोटर बाइक वगैरह आपको जो है यहाँ से मिल जाएगी, 152 नंबर की बस जो है वो चली आगे। और मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जब मैं आया था तो इन्होंने 5,000 डोंग मुझसे जो है वो लिए थे, और अभी देखते हैं कि ये कितना लेंगे। और जगह का नाम जो है वो है वुई बियान, याद रखना वुई बियान वॉकिंग स्ट्रीट। तो यहाँ से जो है वो 15 किलोमीटर के सिर्फ 5,000 डोंग लगते हैं, और 15 से 25 किलोमीटर तक के 6,000, और 25 किलोमीटर से ऊपर जो है वो 7,000 जो है वो डोंग लगते हैं। तो हमारे तो यहाँ 15 किलोमीटर के अंदर ही है, तो हम जो है सिर्फ 5,000 डोंग देंगे। बस में बैठ गए हैं, और यहाँ से लगभग ऐसी आधे घंटे की जो है वो जर्नी है वुई बियान की। और बस पहुँचने के बाद सोना है क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। कल 11 बजे से जो है वो निकला हुआ हूँ इंडिया से, थोड़ी हालत भी टाइट है, और थोड़ा सा जो है मतलब दुख भी है कि अपना जो है एक दोस्त है जो वो नहीं आ पाया है। बाकी मेरी बात हुई उससे, बाकी देखते हैं कि क्या रहता है सीन, क्योंकि उसका जो है वियतनाम से हांगकॉन्ग का भी जो है वो टिकट है। लेकिन यहाँ से जो है चलते हैं, ये कुछ इस तरह की जो है बस होती है पूरी जो है एयर कंडीशनर है। और अगर 15,000 अगर इंडिया में देखा अगर कन्वर्ट किया जाए तो लगभग ऐसी 14-15 रुपये के आसपास बैठेंगे आपके, तो 14-15 रुपये में 15 किलोमीटर के अंदर का सफ़र कर सकते हो। तो वही सस्ता है थोड़ा ये बस, बाकी टैक्सी वगैरह तो ये ज़्यादा लेती है, वो लगभग 40-45,000 डोंग ले लेती हैं आपसे, और कैब वाला भी इतना ही ले लेगा लगभग 50,000। तो भाई सस्ता तरीका यही है, 5,000 डोंग में आप यहाँ से वहाँ तक जा सकते हो। तो इन्होंने जो है भाई पर्ची दी है 5,000 की, एक तो मेरी हो गई और 5,000 की जो है हमारे इस बैग की हो गई। तो भाई बैग का भी किराया लगता है यहाँ पर 10,000, बट कोई नहीं यार उससे तो सस्ता ही है, 10,000 में जा रहे हैं लगभग 27-28 रुपये में पहुँच जाएंगे वहाँ पर। तो बस वाले ने भाई यहाँ पे उतार दिया है वही बयान, और यहाँ से जो है वो पास में ये वॉकिंग स्ट्रीट, अब पैदल पैदल चलते हैं। और कुछ खाना पीना भी अभी करना है बाकी रूम में जाने के बाद फ्रेश हो करके, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ मैं अभी। तो रूम वगैरह जो है वो हमने ले लिया है, और रूम में आपको बताऊं कि भाई बोलिया है मैंने 5,00,000 डोंग में, इंडिया के लगभग हो गए ऐसी 2,000 के समथिंग हो गए। बाकी ये अपना रूम मैं आपको एक बार दिखा दूं, बैग वगैरह रख देता हूँ, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, बैक कैमरे से आपको जो है वो रूम दिखाता हूँ। तो यहाँ नीचे से जो है आएंगे, और 3rd फ्लोर पर ये रूम है अपना, पंखा है और LCD है, ये मिरर लगा है, बेड है, बाकी
ये है टॉयलेट बाथरूम यहाँ का। तो भाई इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।